सत श्री अकाल। तुसी देख रहे हो तख्त पंजाब। मैं तुहाडे नाल सुखविंदर सिंह। मेरे नाल उगे सिख विद्वान प्रोफेसर बलकार सिंह मौजूद ने। स्वागत है तुहाडा प्रोफेसर साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्रोफेसर साहब, अज जदों सत्ता खुस जांदी है, कुर्सी खुस जांदी है, तां सियासी पार्टियां अक्सर कहिंदियां है कि धर्म नूं खतरा हो गया, धर्म खतरे दे विच आ, धर्म नूं खत्म कीता जा रहा। फिर उस तों बाद गल आउंदी है कि अज जदों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, सिख संस्थावां जां श्रोमणी अकाली दल की गल उठती है, हरजिंदर सिंह धामी जिहड़े श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने, वह कह रहे ने कि साढ़े उत्ते आके टोपियां वाले जिहड़े वह बह गए ने, वह साढ़े उत्ते राज कर रहे ने, सीधा कह सकते हैं आपां। फिर वह कहिंदे कि सिखां ने कुर्बानियां कीतियां इस मुल्क दे विच, इस मुल्क दे लई, ते सिखां नूं राज तों दूर रख्या गया, जां कुर्बानियां सिखां ने कर लईआं ते राज किसी होर दे हत्थ लग गया। इहनूं किस संदर्भ च देखिया जावे? क्योंकि जदों गल बंदी सिंघां दी करदे ने तां सवाल इही उठदा कि 10 साल पंथक सरकार रही ते 25 साल जां कह लो कि 5 बार मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल रहे, फिर भी अज तक सिखां नूं इंसाफ क्यों नहीं मिलिया? सिकंदर, जो तुम सवाल किया ना, सवाल बड़ा इंपोर्टेंट है। तेरे एरे नाल कई होर चीज़ा जुड़िया हुई ने, क्योंकि लगातार जिहड़ियां अकाली दल दे गोडे हेठ दित्तियां हुई सिख संस्थावां ने, वह ये दवाई दे रही ने। यह गल जी है जी, तुहानू गल तुसी मैनू मतलब प्रधान श्रोमणी कमेटी के हवाले कह रहे हो, जे तुसी ये सुखबीर सिंह दे हवाले कह रहे तो मैनू कोई इतराज़ नहीं होना सी। मान साहब दे हवाले कह रहे तो मैनू कोई इतराज़ नहीं होना, क्योंकि वह सियासत सोचते हैं। जेड़े ये कहते हैं टोपियों वाले राज करते हैं, मैनू एक नहीं समझ आती कि साड़ी ट्रडिशन जी है, ये जी सियासत है, वह राज तो सानू भी मिलया। सुखविंदर, एक बेसिक गल अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए है कि ये पंजाब वड्डे पंजाब तो छोटा पंजाब जो बनया, सिख पंजाब बन गया। इनू तुसीं मतलब सिख पंजाब कहना, मैं तो मैं मतलब जिम्मेवारी ना कह रहा, ये सिख पंजाब नूं जिहड़ा विधानक तौर पर उसारण का मौका मिलिया है, विधानक तौर पर उसारण का मौका कांग्रेस नूं मिलिया, अकालिया नूं मिलिया, हुण आप नूं मिलिया है। जिन्हों वो टोपिया वाले कह रहे हैं, इन्हें जो कौन टोपिया वाला है जिहड़ा जदों मतलब कांग्रेस का राज सी अमरिंदर सी, अगे जदों अकालिया का राज सी कोई टोपिया वाला विच लैके आए थे टोपिया वाला, टोपिया वाले कह के 95 उन्होंने पंजाबी पार्टी बनाती सी पंथक पार्टी। तो हुण प्रधान श्रोमणी कमेटी कह रहे हैं कि कुरबानियां असीं करदे आ, राज कोई करदा है, इहदा लंबा किहनूं दिंदे ने? कुरबानियां करन वाले नूं दे रहे ने कि राज करन वाले नूं दे रहे ने? राज करन वाले ते सियासत करनी है। जे ये मतलब जिहड़े राज कर रहे ने उहनां नूं सवाल कीते जा सकदे ने। ये सवाल तो प्रकाश सिंह बादल नूं करना चाहिए, मतलब सुखबीर सिंह बादल नूं, भी तुसीं ये गल जिहड़ी है टोपियां वालियां दी उदों क्यों ना सोची जदों धामी साहब प्रधान नहीं सन, टौड़ा साहब प्रधान सन, उदों तो किसी ने सोची नहीं। तो हुण ये जिहड़ी सोची जा रही है, किहड़े हवाले नाल सोची जा रही है? तुसीं ये देखोगे कि मतलब जिहड़ियां हुण पंजाब नूं, जिहड़ा सिख पंजाब जिहनूं मैं कहिंदा, इहनूं संभालण दीआं जिहड़ियां थमियां ने, वह है समाजिक एक थमी है, एक है धार्मिक एक थमी है, एक है सियासी एक थमी है। इन्हां तिन्नां थमियां विच्चों वह कल्ली जिहड़ी सियासी थमी है उहनूं क्यों लै रहे ने? क्योंकि धार्मिक थमी जिते तो आप ही प्रधान ने, समाजिक थमी कित्थे जाएगी? एक थमी ते पंजाब नूं खिलारन की कोशिश करनगे, तो वह समाजिक थमी ते जिहड़ी धार्मिक थमी उहनूं खिलारन नहीं देगी। इहो ही समस्या है कि श्रोमणी कमेटी अकाली दल का जिहड़ी सियासत है उहनूं जदों करदी है तो वह समाजिक थमी ते धार्मिक थमी नूं पासे कर दिंदी है, तो एक थमी दे जिहड़ी गल खिलारन की कोशिश करदे उह डोली जांदी है। हुण मतलब यह जिहड़ी गल है इहदे विच हुण ये मैं मानना, मैनू अकैडमिक तौर पर पता है कि समाजिक थमी, धार्मिक थमी, सियासी थमी ये अंतर संबंधित ने, एक नूं जुड़िया हुई ने, पर एक दूजे के गुलाम नहीं हैं, एक दूजे दे मुहताज नहीं हैं, ये इंडिपेंडेंटली ग्रो करदियां ने, इन्हां नूं इंडिपेंडेंटली ग्रो करन देना चाहिए। इहो जिहा ही कह रहे हैं भी श्रोमणी कमेटी सियासी पार्टी के तौर पर ग्रो करे, भावें वह पंजाबी पार्टी करके बने करे, भावें वह किसी के नाल लग के करे ना करे,
समझौता करे जो मर्जी करे पर वो मतलब जी श्रोमणी कमेटी के अकाल तख्त है ना ये ना ये गल करना श्रोमणी कमेटी इन्होंने तो मजबूर ना करे ये गल करने वास्ते मैं समझा कि वो मतलब धामी साहब एक मजबूरी विचों ये सवाल पैदा कर रहे हैं कि असी बहुत किया तुसी की किया मैं कहना मैनू पूछ ओ मैं की किया मैं मतलब जिदन का जमया उदन का अकाली हाँ तो अकाली दसन के मेरा की किया उन्होंने मतलब मैं अकाली का की किया चलो मैं उन्होंने वास्ते बोलता भी हाँ उन्होंने मैं तो उन्होंने दसदा भी आ गलत कर रहे हो हूँ भी यही चीक मार रहे आप रल के भी वह गलत कर रहे हैं ये गलत तो नहीं हटनगे तो वह सियासत की थमी दे दल दल के उन सारे कुछ कढ़ा के देख लेंगे ऑलरेडी देख चुके ने ये कोई बहुत ही वड्डी लंबी चौड़ी गल नहीं मैं समझा कि सीधी जी गल है धामी साहब को मैं संबोधित करके कहना चाहना कि ये पंजाब गुरु के नाम से जीवदा सी जो गुरु के नाम से जीवदा सी किसी पंजाबी नूं किसी ने नहीं सी कहा सिख क्यों नहीं है पंजाबी तो यह आस की जाती सी भी चंगा पंजाबी गुरु साहब जो पंजाब है गुरु के नाम से जीवन वाला वो चंगा पंजाबी माड़े सिख नालों चंगा सी हुण ते आ भी सिख होना चाहिए वो चंगा ही चंगा है तो पंजाबी जरा वह माड़ा ही माड़ा है टोपिया वाला कही जाते ये नहीं कहना चाहिए यहोजी गल कह मतलब सिख न कोई अधिकार नहीं है ये मतलब लिटरेचर किसी आ भी गया हो मैं पता नहीं है पर मैं समझ आ रहा हाँ कि साढ़े जे सभ्याचार क्यों मैं कह रहा यह भी मैं धामी साहब को समझाने वास्ते कह रहा तुम मुंडे हो समझ लो क्योंकि तेरा रोज का काम है तो सवाल कर लें जेडे सभ्याचारक वखरेवे ने यह हिंदुस्तान की नानत्व जिन्हों कहने असं वरायटी जिन्हों कहने ये बड़ी वड्डी तोर है पंजाब बहुत ही स्ट्रोंग सी असी ईद ईद भी मनाते असी मतलब जन्म अष्टमी मनाते असी गुरपुरब भी मनाते असी दिवाली भी मनाते असी सारा कुछ मनाते असी विसाखी भी मनाते उस तरह तो एक दूजे पार्टीसपेट करते कुछ बंदे जोड़े ने अपनी अपनी आदत मुताबक अपना रोटी पानी हौसला भी खाते सन ये वरायटी सी ये वरायटी पंजाब की धरोहर सी ये वरायटी हिंदुस्तान की धरोहर सी हिंदुस्तान की सियासत इस वेले की उस वरायटी को खत्म करना चाहते हैं उन्होंने लुकया हुआ कि जी फुलवाड़ी है ना वो एक रंग वाली नहीं होंगी फुलवाड़ी कहें ही उस बहुत रंग होंगे ने तो भारतीय फुलवाड़ी पंजाबी फुलवाड़ी जी भी धामी साहब समझ लेना चाहिए कि ये सारे जड़े ने इकट्ठे ने जे सवाल पैदा होएगा ना तो ये आप पार्टी से होएगा जो उन्होंने गुरु साहब दोटो की थे मतलब फोटो बदल के दी दफ्तर ये उन्होंने की लड़ है उन्होंने जरा ये भगवंत मान होने की जो सरकार है जवाब उन्होंने देना पड़ेगा पंजाब का हर बशर जरा है हूँ मेरे घर पंजाब के किसी घर जाओ पहला भी भगत सिंह दोटो साढ़े घर में सीगिया गुरु साहब की फोटो तो कई बार नाल ही लगियां तुझे फिरते हैं किसी ने कुछ हूँ डिस्टिंक्शन क्यों जे सरकार ये स्टैंड लवेगी कि आ फोटो जी प्रैफर्ड है तो यह मतलब कोई फोटो जी पासे हो जाएगी ना हालांकि मैं फोटो यकीन नहीं करता गुरु साहब भी असं फोटो यकीन नहीं करते शब्द गुरु के बंदे हाँ असं तो बाणी के बंदे हाँ असं मतलब फोटो यकीन नहीं करते पर आम बंदे की मानसिकता में गल जी है ये हलचल पैदा करती है इस हलचल तो गुरेज करना चाहिए जेडे बंदी सिंघां की रिहाई का जिक्र वार वार मतलब कर रहे हैं धामी साहब उन्होंने वार वार ये आ गया उन्होंने मतलब वड्डी गल कही थी और रैफर भी होंगी रही तुम भी गल की आप भी जवाब दिता कि जे मतलब रेपिस्ट जो ने छे जा सकते हैं गुजरात के तो बंदी सिंह क्यों नहीं छे जा सकते हूँ धामी साहब तो कौन दस्यो वकील ने ते रेपिस्ट छे गए ने कानून मुताबक कमेटी बनी स्टेट की गौरमेंट ने दिता तो वो तहत छे गए हूँ असी वो प्रोसैस कदों अडोप्ट किया प्रकाश सिंह बादल ने अडोप्ट किया कि असी प्रोसैस जोड़ा है वह अमरिंदर सिंह वाले अडोप्ट किया कि वह प्रोसैस अज अं भगवंत मान वाले अडोप्ट कर रहे हैं इन्हों चाहिए यह है हाल तो यह है कि प्रधान जी ने डीसी अमृतसर नहीं मिलने तैयार वो उन्होंने को मैमोरेंडम नहीं लै रहा तो भगवंत मान नाल की करेंगे यह जाके जे उन्होंने कोई जान हो भगवंत मान तो पंजाबी है ना भगवंत मान गुरु तो बेमुख किवें हो सकता है वो कट्टिया वंडिया जिहोजा भी है ठीक हो सकता है पर गल करना भी आ साडी जिहड़ी कानूनी प्रक्रिया है उहदे विच स्टेट की आ भूमिका है तुसीं स्टेट की भूमिका क्यों नहीं निभाउंदी मैं तो यह भी कहांगा
कि स्टेट की जी है स्टेट के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जाया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाया जा सकता, भारत की सरकार के खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं जाया जा सकता। असी कानूनी तौर पर लड़ाई जी है कानूनी तौर पर लड़नी पैगी। पहला भी मैं ये गल की फिर रिपीट कर देना जी 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 हाँ जी तुसी अपनी गल कंप्लीट करो फिर मैं सवाल मैं कह लग्या सी भी जेडे देश द्रोह के मामले च फड़े जाते हैं उन्होंने कानूनी तौर पर ही फड़िया होंगे तो कानूनी तौर पर ही छड़िया जा सकता है। सरकार सहायता कर सकती ने पर प्रोसैस कानून वाला ही लेना पाएगा, छड़ना कोर्ट नहीं है उन्होंने, तो कोर्ट तक अभी अप्रोच ही नहीं कर पा रहे हूँ। कोर्ट वास्ते अप्रोच मतलब प्रधान श्रोमणी कमेटी या प्रधान अकाली दल की थान से कि भगवंत मान करे कि मतलब मोदी करे कौन करे, ये तो सानू आप करना पाएगा ना, बंदे तो साढ़े ने छिलाने असी ने उन्होंने आन के इन्हों चंगा बड़ा पता है कि वह सारे बंदे जे अज ही छड़ दिते जान ते आउन सार सब तो वो अकाली दल के खिलाफ होणगे श्रोमणी कमेटी के खिलाफ होणगे। इस करके इशू बनाई रखना चाहते ने, इनू खत्म नहीं करना चाहते, इनू हल नहीं करना चाहते जी। नहीं प्रोफेसर इतने सवाल मेरा यह सी कि अज सिख कौम जिहड़ी है दो वड्डे मोर्चियां दे उत्ते लड़ रही है, एक तो बेअदबी दे लई इंसाफ, दूजा बंदियां दे लई इंसाफ की गल है। पर जदों गल इह हुंदी है कि की इहदे बारे श्री दरबार साहब तो अरदास दे विच इस नूं शामिल नहीं किया जा सकता कि बंदी सिंघां नूं रिहा किया जाए, साडियां नूं बेअदबी दे मसले दे उत्ते वार वार यही सवाल उठता है कि श्रोमणी कमेटी कोई वड्डा मोर्चा जां वड्डा क्यों नहीं प्रोग्राम उलीक दी, क्योंकि उन्होंने करना चाहिए कौम की अगवाई कर दी है बजाय इसके कि सियासी गलबे चो बाहर निकल के कोई काम किया जाए। फिर नालों नाल यह भी गल आ कि जदों यह हर मुहाज से लड़न की गल करते हैं तो लोगों का यकीन जहाँ नहीं बचता, लोग इन्हों साथ किवें देन कि अज तुसी बंदी सिंघां की गल कर रहे हो। मैं एक गल कहना अरदास शामिल कर रहे हो, आप वारी वारी लै लीए इन्हों कि अरदास शामिल करे, अरदास गुरु किरत नहीं है, अरदास पंथक किरत है, अरदास बदली जा सकती है, अरदास कुछ घटाया जा सकता है, अरदास कुछ बधाया जा सकता है, पर पंथक सुर में ही किया जा सकता ना। पहलो ये संस्था ये तो सोचे भी कि वह पंथक सुर में है, जे वह मतलब श्रोमणी अकाली दल की मुथाज है तो फिर पंथक सुर किवें होएगी, सियासी पार्टी ही पंथक किवें हो सकती है, तो कि सियासी पार्टी पंथक मानेंगे असी, सियासी पार्टियां दस दस है साढ़े को सिखा दिया हूँ। पंथक का अजक सुखविंदर एक गल होर सामने आ रही है, मैं मतलब इस गल का गवाह कि इस वे जा रहा है कि पंजाब विचों किसी सुधारवादी गुरद्वारा सुधार लै टू की जी लौड़ है पंजाब विचों पैदा नहीं हो सकती, इन्हें बाहरों पैदा होना है क्योंकि दुनिया भर में सिख जो चले गए हैं उन्हों का पंजाब वाल ध्यान है, वो पंजाब वास्ते कुछ करना चाहते हैं तो वह ये मुहिम शुरू कर सकते हैं। मैं समझ आया कि मतलब इस तो भारत सरकार को तो पता है वो तो चेतन ने इस गल तो भी ये गल जी हो सकती है, पर साढ़े बंदे क्यों चेतन नहीं हैं उन्होंने पंथक जथेबंदी बनने वास्ते उन्होंने नाल लेना पाएगा, ये डिबेट चलानी पाएगी। मैं एक सिख के तौर पर महसूस करदा भी कोई भी बंदा कोई भी सिख गुरु का जिहड़ा केसा सुआसा नाल मतलब सिखी नूं लुभाउंदा है ते उन्हूं लुभाउंदा होया कोई कुरबानी करता है वह अरदास विच कवर है, उन्हां दा ध्यान धर के वाह आखो वाहगुरु जी असी रोज़ कहने हां। जे बंदे शामिल करना चाहते भी 40 शामिल कर लो, 30 शामिल कर लो, 5 शामिल कर लो, ये तो मेरे मुताबिक नहीं करने चाहिए क्योंकि अरदास जिहड़ी है वह छण के आउंदी है, उहदे च सिख मानसिकता ने, सिख सिद्धांत ने, सिख इतिहास ने, बाणी दी स्पिरिट ने, सारे ने रल के तुरना है। ये जिहड़े जिहड़े ये कर रहे हैं ये सिर्फ अपने तौर पर एक इतिहास के प्रक्रिया में गल कर 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 रहे हैं, ये सिद्धांत की प्रक्रिया में गल नहीं कर रहे। इस करके मैं कहना कि मैनू नहीं कोई इतराज, मैं बिंदी सिंह के हक में हाँ, मैं बंदी सिंह वास्ते कुछ भी करने तैयार हाँ, पर बंदी सिंह वास्ते कुछ करन दा जरा मतलब अगवाई करनी है उहदे वास्ते मैं समर्थ नहीं हाँ, उहदे वास्ते श्रोमणी कमेटी समर्थ है, दिल्ली कमेटी समर्थ है, अकाल तख्त समर्थ है, उहदे वास्ते मतलब कोई बाहरली संस्था समर्थ हो सकती है, चलो उहदे वास्ते कोई सियासी पार्टी भी एफर्ट करना चाहे तो करे, सियासी पार्टी तो कोई एफर्ट कर ही नहीं रही क्योंकि हुण सियासी पार्टी जिन्हां दे विचों गए ने
उन्होंने तो कुछ करने तैयार नहीं है। असी तो हम इस वे हालत है कि अज मंड साहब ने कह दिता है कि जेड़े मतलब है बेअदबी करने वाले इन्हों गुरु वेखेगा। ये मतलब शराब देने वर्गी गल है, सिख वर्गी गल कित संघर्ष करना पेगा। जिहड़ी उत्थे हो रही है बेअदबी कांड जिहड़ा है उहदे हल नहीं होण दित्ता, ते उह सरकार ने हल नहीं कीता कि असीं आप नहीं होण दित्ता। असीं की कर रहे हां उत्थे, असीं भी एजीटेट ही कर रहे हां ना। इह कानूनी मामला है, ते कानूनी मामला लैके आप चले जाओ अपनी मतलब अपनी कमेटी बना के अपने तथ कट्ठे करके अपना फैसला करके चले जाओ कि असीं इस नतीजे ते पहुंचे हां। इस नतीजे मतलब इन्हां बंदिआं नूं सजा क्यों ना दित्ती जावे, करन नहीं करनगे, क्योंकि सियासतदान जिहड़े ने एक दूजे की मदद करते हैं, एक दूजे को फसाते नहीं। वो समझते हैं भी अज्ज मैं काम लै रहा कल ये काम लै सकता। मैनू मतलब जिहड़ा बेअदबी कांड दी गल है, ये इशू जिहड़ा जिथे पहले दिन खड़ा सी उत्थों एक इंच इधर उधर हिलिया तो दसो कौन नहीं हिलन दिंदा। जिहड़े उन्हें कंट्रोल करते हैं उत्थे एजीटेट करते हैं, वो किसी सिरे लाने नहीं चाहते। जो लगन लगता उदों मतलब समझौता कर जाते हैं, जिवें मान रहे मतलब अमरिंदर सिंह मिलकर कर लिया सी, जब मिनिस्टर चले गए सन फिर वो कल तक देते उन्होंने कढ़ते कुटते रहे। वो जो कढ़ते रहे उदो श्रोमणी कमेटी क्यों नहीं बोली, श्रोमणी कमेटी पार्टीसपेट क्यों नहीं कर रही, सिर्फ इस करके भी अकाली दल बच्चे आता है तो श्रोमणी कमेटी को सवाल किए जाएंगे, उत्थे धामी साहब के जाएंगे तो पूछेंगे ना कि सुखबीर बादल बारे जरा है वो खिलाफ बोलो, वो बारे गल करो, धामी साहब ये नहीं करेंगे। इस करके धामी साहब तो नवंबर तक ने अगो होना पता नहीं होना, तो इस करके ये होर किस्म की गेम है। ये मेरे मुताबिक प्रधानगी प्रधुनगी कोई नहीं है, तो नौकरी है और नौकरी भी एक साल की। नौकरियां करने वाले जानते हैं, मैं तो अजे तक भी नौकरी करी जाना भी एक साल की यहोजी नौकरी नहीं होंगी टैंपरेरी कोई भी, जिन्होंने सवेरे आदि कह दिया वे तू परसों नहीं आना। ये की नौकरियां ने, ये नौकरियां करी जाते हैं। हूँ इस गल मैं समझा हाँ कि जरा इस वेले सानू जरा सिंह सुभाई पूरन सिंह जी पंजाब है उधर पूरन सिंह ने यह कहा ना पंजाब सरकार गुरु के नाँ थे, तो असी वो सरबत भले वाली जी भावना है वह सिंह सभा लहर दे रहे सामने। सिंह सभा लहर से सियासतदान भी कहते हैं पूरे चो सियासत निकली, पछाण की प्रॉब्लम निकली, आइडेंटिटी की प्रॉब्लम निकली, वो लड़ाई चलती अज तक वो चलती है। धामी साहब भी किसी न किसी तरह वो गल कह रहे हैं करन, पर सिंह सभा की स्पिरिट कर ना उन्हों एक अकैडमिक लैवल से करना, जिमें जिमें प्रिंसीपल तेजा सिंह करता सी, प्रोफेसर साहब सिंह करता सी, भाई वीर सिंह करता सी, प्रोफेसर पूरन सिंह करता सी, उवें करना फिर हूँ तो उवें करते हैं भी जिमें कोई मतलब जरा मतलब जो मर्जी कही जाते हैं। यानी जिन्हों पता है हूँ तो हालत यह है कि मैं अफसोस है गल कह, मैं ये गल अपने खिलाफ कह रहा भी जिन्हों जिन्ना घट पता है उन्ना वो बोली जाता है, तो इन्ना कावर रौली पै गई है, इशू गवाच गए हैं, सानू पता ही नहीं लगता अं की कही जा रहे हैं। जे असी सुखविंदर इस पासे तुरे रहांगे तो जिहड़ा वर्तमान पंजाब है इनू पाकिस्तान वर्गा जां अफगानिस्तान वर्गा बना लाँगे। जिहड़ी गल टोपियां टूपियां वाले की कही जा रही है ना, इस गल नाल असी पाकिस्तान वर्गा बनन दी ते अफगानिस्तान वर्गा बनन दी गल कर रहे हैं। तुसीं मैनूं दसो भी जे साडा खालसा पंथ दा राज अफगानिस्तान वर्गा आ जाए तां की कर लाँगे, पाकिस्तान वर्गा आ जाए की कर लिया उन्होंने, पाकिस्तान का की हो गया, उसे मुसलमान का की हो रहा, उसे तो सिख नाल तो साल कदे एक बार धक्का होता ना मुसलमाना भी उन्ना ही हो जाए। मेरा मतलब यह है कि असी एक गुरु की स्पिरिट जी है, शब्द गुरु की जी मतलब हैगी है जय जयकार जी पंथ तरी दियां गूंजा दिनों दिन पैन गईं, वो टोपियां वाले तो बचा के पगां वाले राज देने का काम नहीं सी, वो गुरु की सोच की पहरेदारी सी, जिथे सरबत दे भले की गल चलती सी, जिथे किसी नूं नाल विचकरा नहीं किया जाता सी, जिथे चार खुले दरवाजे वाला गुरुद्वारा जिहड़ा सारयां नूं वेलकम करता सी, ये नहीं सी भी उहनूं मतलब रोकता सी। इस करके मैं समझदा हां कि सियासत वंडियां पाउंदी है, ये धामी साहब नूं नहीं करनी चाहीदी। धर्म सिर जोड़दा है, ये धामी साहब नूं अगे लग के करना चाहीदा है, ते अगे लग के करन वास्ते बंदी सिंघां वास्ते भी धर्म करना चाहीदा है कि वह कोर्ट को जान भी देश के कानून मुताबिक आ साडा अधिकार बनता है, ये सानू क्यों नहीं दिता जा रहा। इस गल अगे लैके तुर गए तो दुनिया भर के सिख ह्यूमन राइट्स से जाके अपने केस में लै जाएंगे, तो यूएन चला जाएगा केस जे इतों शुरू कर लेना, पर जो इतने करना ही नहीं चाहते
तो उत्थे भी की गल उत्थे भी वह भी रौला पाई जाते हैं, यह भी रौला पाई जाते हैं। प्रोफेसर एक होर गल है इहदे विच, जदों सरबत दे भले की गल आउंदी है जां सभे सांझी वाल सदायण की गल आउंदी है, धर्म की गल आउंदी है, तां इक उह तस्वीरां जिहड़ियां सामने आउंदियां कि गुरु गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी दे विच नृत्य किया जा रहा, उत्थे रामलीला खेडी जा रही है, कृष्ण जी की जन्माष्टमी के मौके रासलीला हो रही है, उस सब दे उत्ते बहुत सवाल खड़े होंदे ने। जेकर उन्हां वल उंगल चुकी है ਭਾਵ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਣੋ ਮੇਣੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤਾਨ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ ਆ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਡਰ ਡਰ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅੰਗ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਲਾਭਾ ਨੇ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਰਨ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵੇਚਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਲਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਨ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਵੀ ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਅੰਦਰ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਤਲਬ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਰੰਗ ਮੇਰਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢ ਕੇ ਮਤਲਬ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਖੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਉਹਨੇ ਆਗਿਆ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਲਚਰ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹਨੇ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਾਰਮ ਉਹ ਪੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋਈਏ। ਮੈਂ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਮਾਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਕਲਮਾ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓ ਬੈਠੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਕਟਮ ਸਕਟੋਰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ,
उत्थे तो अदब अदाब गुरु ग्रंथ साहब के मुताबिक ही रखा जाता ना साला है उत्थे अं नंगे सिर बंदे नहीं जान देंगे उत्थे अं नंगे पैर ही जान लें मतलब ये साड़ी प्रथा हैगी परंपरा हुण साड़ी परंपरा जिहड़ी है वह साढ़े सिद्धांत का मतलब लोक प्रगटावा है साढ़े सिद्धांत का लोक प्रगटावा है लोगों नाल लैके परंपरा बनती होंगी है हुण असीं परंपरा नूं सिद्धांत की जफ्फी में जकड़ के तो मतलब लोगों परे करना चाहते हैं मैं ये कर लैं पर यह गल जी है ये गल तो विचारी जानी चाहिए है ना ये गल एक प्रधान ने मतलब देता ज अकाल तख्त अगर एक स्टेटमेंट दे देते लगी मैंने ये लगातार साड़ा इशू है कि साढ़े धार्मिक जोड़े गुरद्वरे ने सारी दुनिया में उन्होंने किस मात्रा में कितों तक इंटरफेयर किया जा सकता है करना चाहिए मैं दुनिया भर फिरता रहना मैं तो किसी गुरुद्वारे कोई इंटरफेयर करता लगता नहीं जिहड़ा लगता है वह उसके मुताबिक ही जाता है वो मुताबिक ही करता है मतलब असी निक्की निक्की गल्लां जिहड़ियां सानूं बहुत चुभदियां होंदियां सन किन्ना रौला पाया असी तप्पड़ दे लंगे छकना है कि कुर्सियां दे छकना है तो हुण चंगे बड़े लोग कुर्सियां दे छक रहे हैं उन्होंने कम ही लबेड़ता प्रकाश उपर उपरली मंजिल करता है थले वाली मंजिल तो सारे लंगर है जिहड़ा मर्जी है थले बह के छको जिनी मर्जी है मतलब कुर्सी बह के छको हुण जिहड़ा बंदा मेरे वर्गा हुण मैं थले बह के नहीं मैनूं कोई प्रशादा छकिया जांदा जब मैंने फिर जा खलो के छकना पेगा जब बैठ के छक लेंगे कुर्सी से वो प्रोविजन हो गई हूँ ये गल्ला जिहड़ियां ने मेरा मतलब है असी जो दुनिया भर में पल्ला बेच के आलमी शहरी हो गए हाँ तो सानू आलमी शहरी होने की जिहड़ी बिरद भी पालना पेगा ना वो मानतान भी रखना पेगा ना सिखा की बहुत इज्जत है सिखा की मर्यादा कोई मतलब रौंद के अगे नहीं लगना चाहता पर जे असी आप अपने तौर पर आग्या दे दीए तो साड़िया असी ये कहोंगे भी असी अग्ञान विचों कर रहे हैं वो अग्ञान विचों निकलता प्रबंध जरा संस्थावान करना पैना ना उस गुरद्वरे कमेटी भेज देनी तो उस गुरद्वरे आके अकाल तख्त सद लैन तो कुछ नहीं बनना वो तो उत्थे मतलब उन्होंने वेखना पेगा कि ये गलती उन्होंने क्यों की इस गलती तो किमें बचा जा सकता है यदा प्रबंध करना पेगा ये सोच के होना है ना फैसला लैके तो नहीं होना फैसला लैके तो सियासत हो सकती है क्योंकि तुम ये करता असं तुम कड़ देंगे हूँ तुम उस गुरद्वारे का नोटिस ले लिया भी उत्थे नृत्य होया जो पटना साहब का जथेदार है वह नोटिस नहीं लिया कि उत्थे एड्डी वड्डी बेईमानी हो गई है कोई किसी अकाल तख्त ने नहीं पूछा कि धामी साहब का कोई बयान नहीं आया उत्थे हित ने वो जथेदार की मदद करने उत्थे के प्रधान कमेटी के प्रधान के तौर पर की किया वह सामने आ चुके जथेदार ने कदे कोई नहीं पुछता उन्होंने धामी कोई नहीं पुछता दिल्ली कमेटी वाले पूछी जाते हैं क्योंकि उन्होंने उत्थे की सियासत की लोड़ है मेरा मतलब यह है कि कितने ना कि सानू एदा ओ पक्ष लेना चाहिए जिदे विच आम सिखां दी शमूलियत होवे उदे विच सोचन समझन दा थां जिहड़ा साडे कोल अकाल तख्त हैगा असी उह नहीं वरत रहे जी। हांजी मैं मेरा आखरी सवाल है प्रोफेसर साहब कि हर फ्रंट तो पंथक धिरां जिहड़ियां ने ओह पिछे हुंदियां नजर आ रही है ला लो कि जोर तो बहुत लग रहा है पर कोई भी गल जिहड़ी है सियासी तौर उत्ते बन नहीं रही हुण जदों गल इह हुंदी है कि इसे दा नतीजा समझिया जावे कि हरियाणा दे विच वखरा अकाली दल बन गया हरियाणे च वखरी गुरद्वारा कमेटी भी बनी हुई है भावें ओह इक दो गुरद्वारियां दे उत्ते काबज है हरियाणे दी वखरी सियासत कल नूं फिर हिमाचल च भी यही होना होरनां स्टेटां दे विच भी यही होना है ते असीं की इहदे नाल खिंडर पुंडर जावांगे जां इहदे नाल होर फैलांगे देखो कोई बिल्कुल नहीं है जिहड़ा सारा कुछ हो रहा सियासत सियासत दे तहत हो रहा है जिला हरियाणा अकाली दल बन गया क्योंकि उन्हें हरियाणा स्टेट मुताबिक चलना है हरियाणा स्टेट के अपने कानून ने पंजाब के अपने कानून ने हिमाचल के अपने कानून ने उन्होंने मुताबिक बनना इंडिपेंडेंट मैनू यह नहीं समझ आती भी कलकत्ते की कमेटी इंडिपेंडेंट है बंबे की कमेटी इंडिपेंडेंट है टोरंटो की कमेटी इंडिपेंडेंट है वनकूवर की कमेटी इंडिपेंडेंट है तो हरियाणा की कमेटी इंडिपेंडेंट कोई तो 108 की हो गया मतलब ये अकाली दल नूं उदों लगदा सी कि साडा जिहड़ा सियासी लोड़ां ने वह पूरी नहीं होनी तो नहीं सर आने दिता उन्होंने अजे तक अभी कोर्टां च लटके ही जाने सिखां नूं एक गल तो बचना चाहिए कोर्ट जाने पहले सोचना चाहिए भी वह किस पासे निकलूगा कि नहीं निकलूगा बंदी सिखां दा केस के कोर्ट जाने योग अभी लैके नहीं जा रहे
जेड़े कोर्ट जाते लोने हुण एक अज फैसला आया कि श्रोमणी कमेटी ने बल्ले सस्पेंड करते कि वो जिते बैठे सन उन्होंने टेबल पर शराब की बोतल पई सी वो सस्पेंडेड जेड़े ने हाई कोर्ट चले गए हाई कोर्ट ने बहाल कर दिए ने हुण क्यों बहाल कर दिए ने कई करते हैं सानू सोचना चाहिए ना कानून जेड़ा है देश का उसके मुताबिक असी अपनी संस्थावां च इन्ने भी इंडिपेंडेंट नहीं रहे कि असी अपनी मर्जी नाल ये कर सकीए हुण उन्होंने की प्री लई होनी है जे ते केस सामने आएगा तो पता लगेगा ना मेरा मुताबिक मैनू ये आ वो कहेंगे बोतल पई सी पीती तो नहीं बोतल तो टेबल तो पई सी कोई क्या कोई आर्गूमेंट दी होनी जिन्हों कोर्ट ने कंसीड कर लिया हुण मेरा मतलब यह है कि श्रोमणी अकाली दल की सियासत ने यह सारे पुआड़े खड़े किए ने हरियाणे वाले जे ना किते होंगे तो अकाल तख्त के अंदर तो आने तैयार ने अकाल तख्त के अंदर क्यों नहीं अं सारा कुछ होने देंगे मतलब हुण अद्धे गुरुद्वारे जिहड़े ने हरियाणा कमेटी को अद्धे गुरुद्वारे श्रोमणी कमेटी को झगड़ा ठीक है कि उतों की इंडिपेंडेंट कमेटी बना दें सिख अपनी मर्जी ना उत्तर रख दे मतलब हूँ जो उतों के सिख अकाली दल लगे हुए हैं मौजा मान रहे हैं वो नहीं ना करना कर देना चाहते गुरुद्वारे आमदन केंद्र हो गए हैं वो साढ़े मतलब धार्मिक केंद्र रहे ही नहीं इस हिसाब न असी अपनी मर्जी कर लिया बंदे गुरु की शब्द गुरु की थान से बंदा अगे आ गया दादूवाल प्रधान है ये अगे गल आ गई है धामी प्रधान है ये अगे गल आ गई है प्रधान तो भाई गुरु ग्रंथ साहब है मतलब असी इस करके सिकंदर मैं कहना कि श्रोमणी कमेटी अपन प्रायोरिटीज जड़िया ने वो देश के विधान मुताबक अपनी शब्द गुरु के दी अगवाई बारे बह के जी जी सोचवान ने कौम के जेड़े गल सोच सकते हैं बना सकते कटने चाहिए ने धामी साहब बंदी सिखा से सिख वकीलों का एक कनकलेव कर जिते जे टॉप के बंदी सिख सारे रिटायर्ड जज शामिल हो तो वह देखना अस की करना फिर तो राय पर यदि थान पर तुम कर ही रहे हो भी मतलब सुखबीर सिंह बादल में लियाओ तो वो कहे तो चार बंदे होर लियाओ तो उन्होंने कहो सुखबीर सिंह बादल ने प्रधान रहना है तो वो मुताबिक करी जाओ ये कोई गल नहीं बनती इस करके असी गलत दृश दिशा में चल रहे हैं उन्होंने बदलना चाहिए जी शुक्रिया प्रोफेसर साहब धन्यवाद वाहिगुरु खालसा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सो मेरे नाल मौजूद सन उगे सिख विद्वान प्रोफेसर बलकार सिंह जो पंथक फ्रंट दे उत्ते मुश्किलां जां समस्यावां खड़ियां होईयां ने उन्हां दे उत्ते असीं चर्चा कीती है सवाल बहुत गंभीर हो जांदे ने जदों गुरु घर दे विच नृत हुंदा तां जो कुछ उन्हां वल्लों नेणे मारे जांदे ने कि तुसीं जो नमाज पढ़न दिने हो तां फिर तुहानूं इस नाल की इतराज़ है ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਖ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਧੰਨਵਾਦ